आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में सोमवार 31 अगस्त 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि कोविड 19 की लड़ाई में जीवन और आजीविका दोनों की सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया है कि अपने सपनों को पूरा करने के प्रयासों में भी निरंतर जुटे रहें। सफलता निश्चित है। हमारे इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं जब बड़े संकटों चुनौतियों के बाद सामाजिक आर्थिक और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का कार्य नई ऊर्जा के साथ सफलतापूर्वक हुआ है। श्रीमती पटेल आज लखनऊ राजभवन से ऑनलाइन महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के योगेश्वर श्री कृष्ण योग भवन एवं आचार्य संदीपनी शिक्षा भवन के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। मध्य प्रदेश में सोमवार को कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा एक बार फिर से तेजी से बढ़ा है। कांग्रेस के महासचिव मोहम्मद सलीम का निधन हो गया है, जबकि भाजपा विधायक संजय शर्मा और भाजपा के दिग्गज नेता प्रभात झा भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इस बीच मौतों का आंकड़ा भी बढ़ते जा रहा है। सोमवार को कांग्रेस महासचिव एवं पूर्व बीडीए अध्यक्ष मोहम्मद सलीम की कोरोना से मौत हो गई। कुछ दिन पहले ही उनकी पत्नी ने भी कोरोना के चलते दम तोड़ दिया था। मोहम्मद सलीम के निधन से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश में छात्रों के लिए खुशखबरी है। माध्यमिक शिक्षा एमपी बोर्ड से जुड़े सरकारी व निजी स्कूलों में 12 अगस्त के बाद होने वाले एडमिशन को भी नियमित माना जाएगा। बता दें कि बोर्ड ने अब एडमिशन की अंतिम तारीख 30 सितंबर तक कर दी है, लेकिन इसके बाद आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स को प्राइवेट परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। इस बात के लिए सोमवार को मंडल ने आदेश जारी कर दिए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना वायरस के चलते सरकारी व निजी स्कूलों में एडमिशन के लिए आखिरी तारीख 12 अगस्त रखी गई थी, लेकिन अब छात्रों को राहत देने के लिए मंडल ने ये बदलाव किया है। केंद्र सरकार के 30 सितंबर तक स्कूल बंद करने की नई गाइडलाइन जारी की है। वन्य जीवों को हाईवे पार करने में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए देश प्रदेश में आने वाले दिनों में नीदरलैंड की तर्ज पर ब्रिज विकसित किए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र नेशनल पार्क और सेंचुरी से होकर गुजरने वाली सड़कों के बीच इकोडक्ट की काफ़ी संभावनाएं हैं। दरअसल उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने केंद्रीय मंत्री गडकरी को नीदरलैंड में बने एक ब्रिज का फोटो ट्वीट कर इसे विकास और प्रकृति के साथ का अनुपम उदाहरण बताया है। महिंद्रा ने गडकरी से कहा कि क्या भारत में भी हाईवे बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि गडकरी ऐसा करते हैं तो वे उनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने देश में इस तरह के इकोडक्ट बनाने के संकेत दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के जंगल में बने एनिमल कॉरिडोर की तस्वीर भी पोस्ट की है। नर्मदा किनारे बसे गांव में बाढ़ से मध्य प्रदेश में भारी तबाही हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भोपाल में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी करने जा रहे हैं। सोमवार को सीएम अधिकारियों के साथ होशंगाबाद पहुंचे। यहां बोट से वह नर्मदा किनारे बसे गांव तक पहुंचे। सीएम ने गांव में पहुंचकर बाढ़ प्रभावित लोगों से बात की है, साथ ही उन्होंने राहत सामग्री भी दी। इसके साथ ही लोगों को मदद का आश्वासन भी दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान होशंगाबाद के बावई क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित ग्राम छोटी बाला भेंट में आर्मी की बोट से पहुंचे और बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। सीएम ने इस दौरान बाढ़ में फंसे लोगों का हालचाल भी जाना है। इसके साथ ही उन्हें भोजन के पैकेट और पानी की बोतलें वितरित की हैं। पितृपक्ष की समाप्ति के दूसरे दिन ही नवरात्रे प्रारंभ हो जाते थे, लेकिन इस साल पितृपक्ष की समाप्ति के एक माह बाद नवरात्रे प्रारंभ होंगे। यह संयोग 165 साल बाद बनेगा, क्योंकि इस साल पितृपक्ष की समाप्ति के बाद ही अधिक मास लग जाएगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार पितृ अमावस्या के तत्काल बाद शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो जाते थे, लेकिन इस साल श्राद्ध पक्ष के तत्काल बाद अधिक मास प्रारंभ हो जाएगा। यह लीप वर्ष होने के कारण हो रहा है, क्योंकि इस बार चातुर्मास 4 माह के स्थान पर 5 माह के रहेंगे। ज्योतिष के अनुसार 165 साल बाद लीप वर्ष व अधिक मास दोनों ही एक साल में आते हैं। चातुर्मास के कारण विवाह, मुंडन, कर्ण छेदन आदि मांगलिक कार्य नहीं होंगे। इस माह में पूजन पाठ, उपवास, साधना, तप का विशेष महत्व रहता है। अधिक मास श्राद्ध पक्ष की समाप्ति के अगले दिन 18 सितंबर से प्रारंभ होकर 17 अक्टूबर तक रहेगा। इसके बाद नवरात्रे आएंगे। 25 नवंबर को देवउठनी एकादशी होगी।
पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन मास का अधिक मास होगा, अर्थात दो अश्विन माह होंगे। अधिक मास के कारण इस साल दशहरा 26 अक्टूबर और दीपावली भी काफ़ी देरी से 14 नवंबर को मनाई जाएगी। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। कोरोना के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 36.5 लाख के करीब पहुंचता दिख रहा है। वर्तमान में यह आंकड़ा 36,42,953 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 20,12,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 7,84,236 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 27,93,298 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 64,834 है। अब तक देश में कुल 4,23,07,914 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। इधर मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 62,000 को पार कर गया है। यहां कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 33,875 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 62,433 पहुँच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 13,592, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 47,467 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 1,374 है। प्रदेश में अब तक 13,50,000 से ज़्यादा लोगों का टेस्ट कराया जा चुका है। प्रदेश में सभी 52 जिलों में मरीजों की तादाद 100 से अधिक है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 1,000 से ज़्यादा है उनमें वर्तमान में इंदौर में 12,720, कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 3,484 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 389 है। भोपाल में 10,307 कुल मरीज, एक्टिव मरीजों की तादाद 1,538, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 280। ग्वालियर में 5,110 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 1,312, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 46। जबलपुर में कुल 3,970 में से एक्टिव मरीजों की संख्या 993, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 78। मुरैना में कुल मरीजों की संख्या 2,066 एवं सक्रिय मरीजों की तादाद 127, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 13। उज्जैन में 1,747 कुल में से एक्टिव मरीजों की तादाद 254 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 80। खरगोन में कुल मरीजों की संख्या 1,537, एक्टिव मरीजों की तादाद 277, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 26। नीमच में कुल मरीजों की संख्या 1,188 में से एक्टिव मरीज 207, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 15। बड़वानी में कुल 1,121 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 125, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 15। सागर में 1,118 कुल मरीजों में से 173 एक्टिव एवं मरने वालों की तादाद 53 है। प्रदेश में एक भी जिले में एक्टिव मरीजों की तादाद 0 नहीं है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में सोमवार 31 अगस्त का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 1 सितंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE, इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा, ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे, आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन।
तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत देखने दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये आप हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये पर्सनलाइज। और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए लाल के बाद, वो लाल रंग नहीं रह जाएगा। उसके बाद आप कर दीजिए घंटी का बटन, और घंटी का बटन पुश करके ऑल कर दीजिएगा। अब अगर आप लिमटी खरे पे जाके उसको पुश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर होम, वीडियोस, चैनल सब कुछ आपको दिखे। ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें, पुराने से पुराने लगभग 1500 के लगभग वीडियो अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल में डल चुके हैं। अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, और फिलहाल के जो वीडियोस हैं वो आपको अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, कोई भी वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण जैसे बैरूत में, ये देखिए यहाँ पर धमाके हुए थे, तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये खुलेगा। इसके बाद ऐड दिखेगा, ऐड को अगर आप देखिए विज्ञापन आपको दिखते हैं। इन विज्ञापनों को अगर आपको नहीं देखना है तो स्किप ऐड जैसे ही आए तो आप स्किप ऐड कर दीजिए, और उसके बाद फिर वापस जाना है तो ये लिमटी खरे को आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। इसमें अगर हम आपको दिखाते हैं अब प्लेलिस्ट, अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साइन न्यूज़, वीडियो न्यूज़, कार्टून्स, ऑडियो न्यूज़, लिमटी की लालटेन स्पेशल रिपोर्ट्स, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। एक ही चैनल के अंदर सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। होम में जाएंगे तो आपको नए चार पांच वीडियोस, वीडियोस में जाएंगे तो पुराने सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी करिए, सभी को कराइए।